देखो, वेस्टिजियल ऑर्गेन हर उस ऑर्गेन को बोलते हैं जो हमारे पूर्वजों में तो काम का था बट हमारे शरीर में उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स आर द ऑर्गेन विच आर यूजलेस और फंक्शनलेस इन प्रेजेंट टाइम इन आवर बॉडी। तो इसका काम क्या है, ओके क्यों है हमारे बॉडी में? तो ये सिर्फ हमारे बॉडी में हमारे पूर्वजों के इविडेंस के फॉर्म में है कि नहीं हम लोग भी कभी ऐसे थे। जैसे बॉडी हेयर्स का, ये बियर्ड या बाल, इन सब का हमारे बॉडी में क्या यूज है? कुछ यूज नहीं है। तो ये क्या बताता है, ये सारे बाल सिर्फ ये चीज बताता है कि कभी हम लोग भी गोरिला लाइक थे, हमारे बॉडी पे हेयर था। अच्छा, गोरिला में क्या बॉडी के पे हेयर का कोई काम है? हाँ काम है, वो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठंड के दिन में ठंडी से बचाता है। ठीक है, तो ये उधर का काम है, अभी नहीं, अभी कोई काम नहीं, बट उसको काम था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसी तरह से कभी अगर ध्यान से देखे होगे तो आईज में एकदम कोना में एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है, उस पिंक कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। देखो, हमारा आंख जो होता है, पिंक कलर का कि रेड रेड जो हो जाता है हाँ, कभी रेड रेड कभी, रेड पिंक यहाँ होता है, यहाँ मैं पूरा कभी कभी लाल हो जाता है जो लोग बोलता है। नहीं, वो दूसरा चीज है, सिर्फ यहाँ पे भी होता है, यहाँ थोड़ा सा हमेशा होता है। अगर नॉर्मली नॉर्मली देखोगे, रहता है कि नॉर्मली होता है, मेरे में भी है, तेरे में भी है, सब में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो हम लोग अपना आँख कैसे बंद करते हैं, ऐसे पलक ऊपर से नीचे गिरता है ना। हाँ ऊपर से बट अगर आप फिशेज को देखोगे तो उनका आँख दो तरीके से बंद होता है, एक ऐसे, एक ट्रांसपेरेंट लेयर से बंद होता है आँख, ट्रांसपेरेंट ऐसे, और उसके बाद ऐसे पलक बंद होता है, समझे? तो पलक गिरना और ऐसे आंख बंद होना, दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो मेम्ब्रेन होता था ना फिशेज में, उसी का नाम था निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये उसके आई को पानी के अंदर भी खोलने में मदद करता है, जैसे हम लोग अपना आंख पानी के अंदर खोलेंगे तो आंख पे भार पड़ता है ना, पानी का प्रेशर लगता है। बट मछली का आंख में ये प्रॉब्लम, उसको तो हमेशा ही खुला रखना है, तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए ना वो अपने आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर से उसको बंद कर देती है। तो पानी का लेयर जो भी प्रेशर होता है वो उस लेयर पे होता है, उसका आंख सेफ होता है। तो वो तो और हमेशा बंद रखती होगी। हाँ, ऑलमोस्ट हमेशा। तो उनके बॉडी में तो इस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई काम नहीं, बट फिर भी ये थोड़ा सा रेमिनेंट के फॉर्म में तो है। अच्छा, उसी तरह एक नाम आप सुने होंगे इसका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, सुने? 10th में भी आप लोग पढ़े हैं, तो इसलिए नया नहीं है ये टॉपिक, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन इसमें तो आप बताए थे बैक्टीरिया रहता है जो हम लोग को, मतलब वो तो कुछ लेता है लेकिन कुछ कुछ देता भी है। हाँ, वहां पे इकोलाई होता है, और इकोलाई क्या करता है कि विटामिन के ये सब के सिंथेसिस में हमारा बॉडी का हेल्प करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि वहां पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट वेस्टिजियल है, सिर्फ विटामिन। पहले इसमें बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो हम लोगों को सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे, बट अब हमारे बॉडी में वो माइक्रोब्स नहीं मिलते, तो हमारे लिए बेकार हो गया। ठीक है, इस तरह से जैसे उसी तरह विजडम टेथ, एकदम लास्ट वाला जो टेथ होता है विजडम टेथ, उसका क्या काम? कोई काम नहीं। बच्चे में या अभी भी हमारे तुम्हारे माउथ में लास्ट वाला विजडम टेथ नहीं आया हुआ होगा, इसका मतलब क्या, हम खाना नहीं खा पा रहे, कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस बेकार है, कोई काम नहीं उसका। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे। अच्छा, उसी तरह एक कान में, ये जो कान जो ममोड़ते हैं ना, वहां पे उसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन, पिन नहीं, पिन्ना। पिन्ना, हाँ वही यहाँ पे एक ना, मसल डर होता गया है, मैं। यहाँ पे एक मसल होता है, कौन सा मसल होता है? ऑरिकुलर मसल। ये मसल हमारे बॉडी में बेकार है। देखो, तुम अगर कैटल्स में देखोगे तो लोग अपना कान ऐसे हिला सकते हैं, या डॉग्स को देखो, नॉर्मली झुका होगा, आवाज आएगा तो ऐसे खड़ा कर लेगा कान। तो वो लोग अपने पिना को साउंड के डायरेक्शन में से मोड़कर साउंड वेव को परसीव करते हैं, तो उनके ईयर्स का ये जो ऑरिकुलर मसल है वो एक्टिव है, वर्किंग है। बट हमारा कान, क्या हम अपने कान को मूव कर सकते हैं? नहीं, तो हमारे लिए वो वेस्टिजियल है। अच्छा, उसी तरह याद करो, 11th में हमने पढ़ा था कोकिजियल वर्टिब्री के बारे में, कॉकिक्स, याद आ रहा लास्ट में? हाँ एक बार पढ़े हैं, कॉकिक्स जो इतना लास्ट में सारा फ्यूज हो नहीं जाता याद। 712, 554 वाले में आखिरी का चार फ्यूज होके एक हो गया था, हाँ, याद आया? उसमें बोन में हाँ, बोन में।
तो ये जो कोकिक्स है ये भी हमारे में बेकार है, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स में वो फ्यूज नहीं था और वो टेल में काम आ रहा था, बट हमारे में तो टेल ही नहीं होता, तो हमारे में फिर से वो वेस्टिजियल। तो अभी समझ गए वेस्टिजियल किसको बोल रहे हैं, इसका कोई काम ना जिसका कोई काम ना हो। चलो सबसे पहले इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो, दोज ऑर्गेन्स विच आर रहे तो भी यूजलेस और ठीक, ना रहे फंक्शनलेस, तो भी ठीक है। दोज ऑर्गेन्स विच आर यूजलेस और फंक्शनलेस दोज ऑर्गेन्स विच आर यूजलेस और फंक्शनलेस, दोज ऑर्गेन्स विच आर यूजलेस और फंक्शनलेस आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गेन, आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गेन एंड गिव्स द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। गिव्स द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये सब इवोल्यूशन का एविडेंस देता है। चलो एग्जाम्पल लिखो, पहला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, उसके अलावा एक और विजडम टिथ, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बता चुके क्या है ना, इसका एक और नाम है साइंटिफिक। प्लीका सेमी ल्यूनारिस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको विजडम टिथ भी है, और एक उलर मसल, मसल ऑफ पिन्ना एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, पांच, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। एक जो आंख दो में था तीन वही ना चार, था, क्या नेटी निकिटेटिंग मेम्ब्रेन आंख नेटी वाला। तो अच्छा उसके यही अलावा लगी तो पंखा कॉकिक्स, सा नसीबे का। हाँ तो है ना, लेकिन बेकार ही तो है, कोई काम थोड़ा ना। दोनों साइड में रहता है वो, एक साइड किस साइड, नाक मतलब आउटसाइड की की तरफ, तरफ नाक की तरफ, नाक की तरफ नाक की तरफ। देखना ध्यान से ना, कभी शीशा भी ले लो देखो दिखेगा। इसके अलावा और भी पिन्ना बहुत जो सारा है लटकता है वही ना, पिन्ना क्या, जो वो लटका रहता है कान में वही ना, नीचे में पिन, सबसे हाँ जो हाँ रहता है हाँ पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा ही। ये पूरा जो बाहर निकला देखो तुमको हम प्लीका हुआ। ये क्या था सेमिलियोनारिस लास्ट में, ओकीजियल वट एवरी ये कहाँ है? वो हाँ कहाँ है, देखो उसमें जो, हाँ याद आ गया। तुमको स्क्रीन चेंज हुआ, तुम्हारा स्क्रीन देख रहे हो, ये वाला आंख के कोना में ये दिखा तुमको, दिखा ये भी देखो इधर नहीं होता, यहां भी उधर देखो, हर तरफ देखो, यहां भी देखो, नाक वाले साइड में ये चीज होता है, देख रहे हो, दिख गया। दिख गया, समझ गए हो गया अब क्या है। हाँ ठीक चलो लिखो, देखो ये सब मेन है, ये सब अक्सर पूछता है, उसके अलावा और भी है, जैसे देखो हेयर्स ऑन बॉडी, हमारे बॉडी पे हेयर्स का कोई काम नहीं है। उसके अलावा फीमेल में क्लाइटोरिस, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो जानेंगे क्लाइटोरिस क्या होता है, एनालॉगस टू पेनिस इन मेल होता है, जो काम मेल में पेनिस करता है एग्जैक्टली वैसा ही फीमेल में क्लाइटोरिस होता है, एनालॉगस होता है। उसके अलावा निप्पल इन चेस्ट रीजन ऑफ मेल, मेल के बॉडी पे भी निपल्स होता है चेस्ट रीजन में, लेकिन वो बेकार है, वेस्टिजियल है, फीमेल में वहां पे मेल प्रोडक्शन होता है बट मेल में तो कुछ नहीं होता, वो बेकार। उसके अलावा पॉइंटेड कैनाइन्स, हमारा जो कैनाइन है दांत वो पॉइंटेड है, अभी हम लोग थोड़े ना शिकार कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंटेड कैनाइन में कोई काम है, समझ रहे हो बात। उसके अलावा यूस्टेचियन वॉल्व, ये एक वॉल्व होता है हार्ट में, याद होगा बताए थे कि हार्ट का ये जो चार चैम्बर होता है, हार्ट का जो इसके चार बीच में चैम्बर रहता होता है, यहाँ पे भी पहले बचपन में फीटल स्टेज में ये ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं और दिल में जो छेद, याद आ रहा है, बताए थे कि अगर वो ओपन बाद में बंद हो रहता गया है तो फिर ठीक बंद है, हो नहीं जाता है बंदा तो बाद छेद में, रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो वैसा ही होता है लेकिन उससे यूस्टेचियन, दिक्कत होता है ना, हाँ ओपन रह गया तो दिक्कत बिल्कुल होता दिक्कत ही होगा, है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा,
तो इसी को बोलते हैं यूस्टेचियन वॉल्व, ये हार्ट में काम होता नहीं है है। लेकिन काम खराब करता है। हाँ बिल्कुल, अगर ओपन रह गया तो इसको अपेंडिक्स ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, बट ये अब नहीं पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा, तुम्हारे लिए बस पांच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग लिंक। चौथा कनेक्टिंग लिंक में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दो ग्रुप को आपस में जोड़ता हो, मतलब दो ग्रुप के बीच का फीचर। जैसे मान लो हम करें लिविंग और नॉन लिविंग, तो दोनों के बीच में क्या है, वायरस, नाइदर लिविंग नॉन नॉन लिविंग, समझ रहे हो बात। तो इस तरह का कोई भी चीज जो दो ग्रुप को जोड़े उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। लेकिन ऑर्गेनिजम्स हैविंग फीचर, इसमें बहुत सारा एग्जांपल याद रखना हो, मोस्टली हम लोग पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में। ऑर्गेनिजम हैविंग फीचर ऑफ टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स हैविंग फीचर ऑफ टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। विच आर ऑल्सो टेकन एज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, विच आर ऑल्सो टेकन एज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहला एग्जाम्पल वायरस को ही ले रहे हैं, इन दो को जोड़ रहा है भाई, नॉन लिविंग और लिविंग को जोड़ रहा। दूसरा एग्जाम्पल इज यूग्लिना, पढ़े होगे 8th 9th में, प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है विच इज लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम टिक मार देंगे। ठीक है, याद करो यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट था जिसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता था। लाइट के प्रेजेंस में वो फोटो ऑटोट्रॉपिज्म से फोटोसिंथेसिस करता था और फूड बनाता 11th था। में तो आप सिर्फ प्रोटिस्ट बताए थे, हाँ तो प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट में में इतना एक ग्रुप है प्रोटिस्ट यूग्लिना, आता प्रोटिस्ट में बहुत सारा था ना, यूग्लिना, तो यूग्लिना भी हम लोग यूग्लिना पढ़े से थे। ठीक बोलना सही है, तो है, प्रोटिस्ट यूग्लिना भी पढ़े हम लोग। बोलना सही है। नहीं, पूरा प्रोटिस्ट नहीं बोलना सही, यूग्लिना ज्यादा सही। प्रोटिस्ट में सब तरह था, कोई फंगस का लिंक था, कोई प्लांट का लिंक था, कोई एनिमल का लिंक था, बट ये एक ऐसा प्रोटिस्ट था जो प्लांट और एनिमल का लिंक था। ठीक है, तो यूग्लिना अगर लाइट के प्रेजेंस में हो तो हेटरोट्रॉपिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिज्म, दोनों और अगर लाइट नहीं होता था ना तो ये प्रिडेटर बन जाता था, एक्ट्स एज ए प्रिडेटर इन का एब्सेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। थर्ड इज, ये नया है, प्रोटेरो स्पोरेंजिया, सॉरी, हाँ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, प्रोटेरो स्पोरेंजिया शायद बताया होगा बट चांसेस कम है, हमको याद नहीं आ रहा। बताया। ये प्रोटेरो स्पोरेंजिया जो है ये प्रोटोजोआ और स्पॉन्ज के बीच का लिंक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लिख देंगे, और इंपॉर्टेंट तो पहले जरूर बताएं। फोर्थ इज पेरिपेटस, ये बताया हूं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। ये किसके किसके बीच का लिंक है, इट इज लिंक बिटवीन एनेलिड एंड आर्थ्रोपोडा, एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका हम बताए थे, आप कह रहा है एएपी, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा को जोड़ता है पेरिपेटस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नियोपेलाइना, नंबर 5 लिख के इंपॉर्टेंट अभी मार्क कर दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियोपेलाइना ये किसके किसके बीच का लिंक, तो एनेलिड और मॉल्यूस्क, एनेलिड और मॉल्यूस्का के बीच का लिंक कौन है, नियोपेलाइना। एग्जांपल इसका तो नाम,
न्यूपिलाइना एनलिड और मोलस्क के बीच का लिंक, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेनोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस ये नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स के बीच का लिंक है, नॉन कोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स के बीच का लिंक। सेवेंथ इज लंग फिश, याद है बताए होंगे इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था लेकिन फिर से अचानक साउथ अफ्रीका के सी कोस्ट पे मिल गया था। लंग फिश इज लिंक बिटवीन फिश एंड एंटीबिया। लंग फिश इज फिश कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। इसका एक और साइंटिफिक नेम है, इसको डिप्नोई भी बोलते हैं। एक ऐसा फिश जिसमें लंग्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सी मूरिया, हटा ना इतना उधर को हटा दीजिए। लंग फिश वाला क्या लिखे लंग फिश के नीचे? डिप्नोई, इसका एक और नाम है साइंटिफिक, क्या होता है नाम है इसी का नाम है। चलो नेक्स्ट इज सी मूरिया। इंपॉर्टेंट वही बस है जो टिक किया है, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको अलग से लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया रट जाना। सी मूरिया ये कंटिन लिंक है एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच का, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ठीक है। देखो कनेक्टिंग लिंक उसको बोलते हैं जो जब मिला था कि एम्फीबिया और रेप्टाइल का बीच का चीज है तब तक वो लिविंग हो, तो जब इसको ढूंढ ये बात कंफर्म हुआ था कि सीमूरिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, इसको बोले कनेक्टिंग लिंक, बट नाउ इट इज एक्सटिंक्ट। और जब कोई कनेक्टिंग लिंक एक्सटिंक्ट हो जाए देन इट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक। क्या बोलते हैं इसको? जब मिला था तब लिविंग था इसलिए इसको बोल रहे थे कनेक्टिंग लिंक, बट नाउ इट इज एक्सटिंक्ट और चूंकि अब ये जिंदा नहीं है इसलिए अब इसको कनेक्टिंग लिंक नहीं बल्कि मिसिंग लिंक बोलते हैं। कोई दिक्कत तो बताओ, दिक्कत है नहीं? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स इज लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स। उल्टा बोलो रेप्टाइल से नेप्स बोल दो और अच्छा लगेगा। किसके किसके बीच का लिंक है ये? रेप्टाइल्स एंड एप्स, ये भी मिसिंग लिंक है। इसके बारे में दो तीन बात जानना और जरूरी है। आर्कियोप्टेरिक्स कहाँ मिला था इसके बाद फॉसिल, इसका फसल कहाँ मिला था? जर्मनी में एक जगह है बोवेरिया, फर्स्ट फॉसिल वाज फाउंड एंड माइंडेड दिस अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम एमडी लिखे इसका मतलब क्या है? मेडिकल, मेडिकल, चलो अच्छा याद है। नेक्स्ट इज प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। किसके बीच का लिंक है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एंड दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हो गया। हो गया नहीं हुआ? मैं भी लास्ट वाला बात। कौन सा? प्रोटोसेरिया। इसमें दिक्कत है? अरे लास्ट क्लास में तो बताया था कंगारू वाला। नहीं वो नहीं बोला, ये फर्स्ट फॉसिल वाज फाउंड, मतलब कि पहला फॉसिल टेरिक्स का पहली बार फॉसिल जो मिला था वो बोवेरिया में मिला था जो कि जर्मनी में। मतलब यही पहला फॉसिल? नहीं नहीं, आर्कियोप्टेरिक्स का पहला फॉसिल जो मिला था वो बोवेरिया में मिला था जो कि जर्मनी में। हो गया इतना? जितना ही बताए हैं सब मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है? नहीं, दसों का दस नहीं नहीं, जो एक्सटिंक्ट हो चुका उसको तो बोले मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक तो सिर्फ दो में लिखे, एक बताया सी मोरिया में जब मिला था तब जिंदा था, अब खत्म हो गया तब वो मिसिंग लिंक है, और दूसरा बताया आर्कियोप्टेरिक्स जो कि मिसिंग लिंक ही मिला था, जिंदा मिला ही नहीं था, उसका सीधा फॉसिल ही मिला था। ठीक है नेक्स्ट, इतना लिख लिए? नेक्स्ट इज एटावेजम। एटमिज्म क्या है? तो लिखिए सडन रीअपीयरेंस ऑफ रिमोट एंसेस्ट्रल sudden reappearance of remote ancestral characters जैसे मान लो कई बार सुने होगे न्यूज में कि कोई बत्ता जन गया जिसका पूंछ था, तो पूंछ हमारा कैरेक्टर नहीं है लेकिन हाँ हमारे पूर्वजों में मंकीज में एक कैरेक्टर था, तो ये अचानक से रिमोट बहुत दूर का एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दिखा, इसको बोलते हैं एटावेजम। कई बार किसी बच्चे को देखोगे बहुत ही खतरनाक फेस होता है, मॉन्स्ट्रल फेस, उसको भी एटावेजम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में सीधा एग्जांपल ही होगा मोस्टली। एटावेजम आपको एटाविज्म का कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, देख के भी लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। देख रहे हो? देखो ये एक बच्चा है, इसका पूंछ है, एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। ये देखो ये भी एक बच्चा है, देख रहे हो उसका बॉडी, चिंपैंजी वाला फीचर आ गया है। देख रहे हो इसका फिंगर्स, देखो देख रहे हो हाथ, आवाज आ रहा नहीं आ रहा? इधर भी देखो, देखो इस बच्चे को, देख रहे हो? ये देखो ये आदमी, दिस इज मॉन्स्ट्रल फेस, बट देखो एटावेजम लग रहा है कि साफ साफ देखने में। ये देखो एग्जांपल ऑफ एटावेजम, फीमेल बट हैविंग फीचर ऑफ गोरिल्ला। दांत वांत देखो, दांत वांत देखो, हरकत भी वैसे ही है, हमेशा जरूरी नहीं हरकत वैसा ही। देख रहे हो दांत, देख पा रहे हो? केनाइन ज्यादा शार्प, हाँ मंकी टाइप। कई बार ऐसा मिलता है, दिस इज एटावेजम। उसके अलावा और अगर हम दिखाना चाहें एटावेजम में, ये वाला डॉक्टर जूलिया वाला, ये भी देख सकते हो, देख रहे हो बर्थ ऑफ बेबी विथ टेल, एटावेजिक कैरेक्टर्स।
चलो बहुत देख लीजिए। इसको काट के हटा देता है टेल को। हाँ उसको ऑपरेट करना पड़ता है उसी टाइम करता है, मतलब कि रहने देता है बाद में। डिपेंड्स इसको कब करवाना है। उस टाइम तो नहीं करता होगा क्योंकि बच्चा रहता होगा। ये 5 दिन पहले का ही फिगर देख रहे हो, 5 डेज अगो देख पा रहे हो। जैसे बच्चे का जन्म लिया जिसके पास पूछ, दिस इज एटाविस्टिक कैरेक्टर्स। खैर चलिए एग्जाम्पल अपने शुरू कीजिए। बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विथ अ टेल, बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विथ अ टेल दूसरा एग्जाम्पल इज हेयरी बॉडी एंड तीसरा एग्जाम्पल इज मॉन्स्ट्रल फेस। देख रहे थे कोई कोई का चेहरा कितना डरावना हो गया था। ठीक है दिक्कत है नेक्स्ट इज एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कैसा एविडेंस था, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे कैसा था, इनडायरेक्ट एविडेंस में पहला। इनडायरेक्ट में पहला पढ़ रहे थे कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ये खत्म हो गई। अब हम लोग कितना टाइप था, इनडायरेक्ट का कितना टाइप है देखते हैं। अभी तो पहला टाइप मिला है, दूसरा टाइप है, लिखो दूसरा टाइप एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। चार टाइप है इसमें से, ये दूसरा आप पढ़ेंगे। सब बड़ा ही बड़ा होगा? नहीं नहीं अब बस दोनों तीन दिन लाइन का है। ठीक है हटाएं इसको, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में ये चैप्टर। मजा आ रहा है लेकिन नाम खतरनाक खतरनाक कभी कोई निकाल वाला। कोई बात नहीं मजा आ रहा है बस सब हो जाएगा। एक्टेज एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें बड़ा मजा आता है पढ़ के, इसलिए तुम लोगों को डिटेल पढ़ा रहा हूं। अभी इसको छोटा करके दिए होते तो हाफ चैप्टर खत्म होता। अभी कितना चैप्टर खत्म हुआ? 1/3। देखिए रिगार्डिंग दिस बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर रिगार्डिंग दिस। Curie was given by regarding this. Curie was given by Haeckel. इसको recapitulation theory भी बोलते हैं। बहुत important है बाबू, अभी जो भी लिख रहा हूँ बहुत important है। Curie was given by Haeckel. Haeckel के नाम पहले भी है। Ernest Haeckel, biological concept of species दिए थे। याद रखना है फैजान, भूलना नहीं। और इसको बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। अभी जो लॉ देंगे उसको कौन दिए थे हेकेल, उसको रिकैप्चुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ बोलते हैं। एंड द थ्योरी वॉज ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी मतलब, मतलब ही तो बस पढ़ना है। सबसे पहला वर्ड है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस।
एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल स्टेज रिकैप्चुलेट्स इसका मतलब होता है रिपीटेशन एंड थर्ड इज फाइलोजेनी इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन इतना लिखो फिर समझाता हूं जल्दी लिखो ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस में ऐसा क्यों बोलते हैं कि ह्यूमन जो है इवॉल्व किया गोरिल्ला या चिंपैंजी या ये मंकी से कोई मतलब एविडेंस होगा ना कि पहले वही आया बिल्कुल बिल्कुल एविडेंस है बिना एविडेंस के मुझे थोड़ा कोई बात बोलता है क्या है क्या है बहुत सारा एविडेंस है हमारा डीएनए सबसे पता चलता है चलो अब जो दिखा रहे हैं वो देखो ध्यान से स्क्रीन पे सामने कुछ दिख रहा होगा देख पा रहे हो इसमें क्या लिखा था फाइलोजेनी हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन जहां जहां ये माउस जा रहा है मूव हो रहा है दिख रहा है ठीक है ये देखो फिश है काची ये हमारा फीटल स्टेजेस है ये हमारा फीटल स्टेज है अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो इस स्टेज में देखो फिश सैलेमेंडर टर्टल चिकन रैबिट या ह्यूमन सबका फीटस देखो सब ऑलमोस्ट सेम तरीके का नहीं दिख रहा है दिख रहा है उसके बाद देखो कुछ समय के बाद ह्यूमन के फीटस में चेंज आया देखो पहले हमारा फीटस जो है ये तुमको ही लगता है कि फिश वाले फीटस की टाइप दिख रहा है सब तो सेम ही है सब सेम है उसके बाद देखो अगले स्टेज में सब में थोड़ा थोड़ा चेंज आया लेकिन यहाँ और यहाँ सिमिलैरिटी ज्यादा है यहाँ यहाँ फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है यहाँ पे देखो फिंस देखो मिल रहा है बट तुम इस स्टेज में देखो अब यहाँ वाला सिमिलैरिटी हमें मिलने लगा देख रहे हो फिर देखो यहाँ पे हमें ये वाला सिमिलैरिटी मिलने लगा मतलब ये कि हमारा जो फीटस है ना वो उन सबके फीटस की तरह के स्टेज से गुजर कर फाइनली ह्यूमन बनता है जिन सबके स्टेज से इंसान कभी गुजरा है मतलब इंसान कभी फिश रहा होगा तो हमारा फीटस देखो कभी फिश की तरह है देख रहे हो फिर इंसान कभी चिकन या बर्ड की तरह रहा होगा या रेप्टाइल की तरह रहा होगा देखो हमारा रेप्टाइल की तरह भी है फिर देखो हमारा फिट हम लोग चूंकि कभी बर्ड की तरह भी रहे होंगे बर्ड वाले स्टेज में तो देखो हमारा फिटनेस बर्ड की तरह भी है देख रहे हो समझे बात को नेक्स्ट स्टेज ये अगर लिख लिए तो अब आगे एग्जांपल लिखिए क्या प्रूफ है इसका कहां से डेवलप हुआ था एग्जांपल लिखिए प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन ह्यूमन एम्ब्रायो प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स जैसा कि फिश में होता है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन ह्यूमन एम्ब्रायो इंडिकेट्स presence of gill slits in human embryo indicates remote yes, act- slits अच्छा sorry slits लिख दी slits indicates remote aquatic ancestry ancestry ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सिंगल सेल जाइगोट नेक्स्ट एग्जांपल सिंगल सेल्ड जाइगोट सेल्ड जाइगोट
इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जायगोट इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड जायगोट इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स प्रोटोजोअन एंसेस्ट्री इंडिकेट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट्स प्रोटोजोअन एंसेस्ट्री इंडिकेट्स प्रोटोजोअन एंसेस्ट्री इंडिकेट्स प्रोटोजोअन एंसेस्ट्री नहीं चलिए नेक्स्ट इसको हटाओ नेक्स्ट पॉइंट लिखना कुछ बुक का नाम है हम चाहेंगे कॉपी के मार्जिन के ऊपर लिख लो दो तीन किताब है फ्लोरा ऑफ फ्रांस ये बुक लिखे थे लैमार्क ठीक है फ्लोरा ऑफ फ्रांस बुक कौन लिखे थे लैमार्क इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं अच्छा यहाँ पे दो पॉइंट और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पहले बहुत पूछा है अब नहीं पूछना है बट लिख लेते हैं दो ही लाइन है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन तो हम लोग सीधा इंडिविजुअल नहीं बोलेंगे पॉपुलेशन बोलेंगे एक पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन होता है And next, unit of natural selection. ऊपर लिखेंगे, नीचे ही लिख। सब ऊपर ही लिख लो. Unit of natural selection is individual. Unit of natural selection is individual. हो गया ना चलो नेक्स्ट बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ये एविडेंस कंप्लीट हुआ नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंस लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट इवन इवन मतलब हर जगह सेम नहीं ऑन द अर्थ सरफेस सो पी एल स्क्लेटर पी एल स्क्लेटर एंड हक्सले दो साइंटिस्ट थे ये अब पूछना नहीं चाहिए पूरा टॉपिक ही अब नहीं पूछना चाहिए लेस इंपॉर्टेंट बट फिर भी दो तीन लाइन ही बताऊंगा ज्यादा नहीं पी एल स्लेटर एंड हक्सले डिवाइडेड द अर्थ इनटू सिक्स रीजंस R E G I O N S six reasons on the basis of flora and fauna found ठीक है जो flora and fauna मिल रहा है उसके basis पे इसको छह reason और उन reasons को बोलते थे relims ठीक है जैसे सुने होगे ना ओल्ड वर्ल्ड मंकी न्यू वर्ल्ड मंकी याद आ रहा मिला था
चैप्टर वन में, याद आ रहा नहीं याद आ रहा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोग पढ़े थे कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता है, न्यू वर्ल्ड मंकी में नहीं मिलता, ईस्ट्रस साइकिल मिलता है, याद आया? एग्जांपल नहीं याद है। अच्छा कोई बात नहीं, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ये याद है ना, याद रखिएगा। पार्ट ऑफ अफ्रीका नॉर्थ ऑफ सहारा, पार्ट ऑफ हिमालयाज या पार्ट ऑफ एशिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज और यूरोपियन इंटायर, ये सब ओल्ड वर्ल्ड में आता है। खैर आपको जो याद रखना है, जो याद रखना है वो लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, इंडिया लाइज इन ओरिएंटल रीजन। हम लोग से अगर पूछे कि इंडिया किस रीजन में आता है, पीएल स्लेटर और हक्सले के द्वारा डिवीजन में, हम लोग बोलेंगे किस रीजन में, ओरिएंटल में आता है। और दूसरा शेप कैसा है अर्थ का? ओवल, ओवल। हाँ नेक्स्ट बोलेंगे क्या? जियोस्फेरिकल की ओवल। अर्थ का जो शेप है वो ओवल से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ओवल के जैसा ही, इसीलिए हम लोग उसको जियोस्फेरिकल भी बोलते हैं। जियोस्फेरिकल भी बोलते हैं कि ऐसा स्फीयर जो ज्योग्राफिकल अर्थ की तरह। नेक्स्ट इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड इसके बारे में अभी सुन चुके हैं लास्ट क्लास में। ये वही आइलैंड है जहां पे डार्विन साहब अपना शोध किए थे, रिसर्च वर्क हुआ था। डार्विन फिंचेज इसी आइलैंड पे मिला था, याद है ना? ये किस रीजन में है? इज इन नियोट्रॉपिकल रीजन। नियोट्रॉपिकल रीजन, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड भूल जाओ। ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं किसको? अफ्रीका पार्ट ऑफ, देखो थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं, पार्ट ऑफ अफ्रीका कहां पे? तो साउथ ऑफ सहारा, साउथ बोल रहा हूँ, नॉर्थ ऑफ सहारा। सहारा के नॉर्थ में जो भी अफ्रीका है वो सब ओल्ड वर्ल्ड में आता है। ओल्ड वर्ल्ड में आता है पार्ट ऑफ एशिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, हिमालय के ऊपर, मतलब चाइना, ये सब ओल्ड वर्ल्ड में आता है। और यूरोपियन इंटायर, पूरा यूरोप ओल्ड वर्ल्ड में आता है। बट काम अपने को याद रखना सिर्फ ये दो पॉइंट बस, ठीक है? आगे बढ़ो। चलिए इसको भी हटा रहा हूँ। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ इवोल्यूशन। रीजन को किस लिए मतलब डिवाइड किए थे? ताकि अलग-अलग को फ्लोरा और फौना के बेसिस पे डिवाइड किए थे कि अच्छा इस एरिया में सिर्फ यही फ्लोरा और यही फौना मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग डालो, लेवल ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे मतलब इंडिया में क्या है? ओरिएंटल, ओरिएंटल रीजन, यहाँ का अपना फ्लोरा फौना है, यहाँ वाला फ्लोरा फौना और कहीं और नहीं मिलता। जैसे मान लो पढ़े थे हम लोग कि सुंदरबन में जो टाइगर मिलता है वो सिर्फ इंडिया में मिलता है, तो यहाँ का फ्लोरा, यहाँ का फौना है बंगाल टाइगर, बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए नेक्स्ट इज काली हेडिंग, लेवल ऑफ इवोल्यूशन। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मतलब यहाँ का क्लाइमेट उसको सूट करता है, बाकी जगह क्लाइमेट सूट नहीं करता। अगर कोई मेरे से पूछ दे कि भाई पोलर बियर सिर्फ पोलर रीजंस में क्यों मिलता है, तो ये कोई बात हुआ पोलर बियर तो अलग हो गया ना। जैसे बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर नाम क्यों पड़ा, मतलब इसमें कुछ खास? सिर्फ यही मिलता है। उसी तरह कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलियन रीजन में मिलता है, उसका रिलिन का नाम भी ऑस्ट्रेलियन। नॉर्मल टाइगर भी होता है ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा ना फीचर। बहुत सारा स्पीशीज होता है, स्पीशीज बहुत सारा होता है, स्पीशीज बहुत सारा। बंगाल टाइगर में टाइगर टाइगर ही है वो, तो अलग क्यों बोले? क्योंकि बंगाल में मिल रहा, बता तो रहा है, सिर्फ बंगाल में मिल रहा है इसलिए बोले, एंडेमिक है वहां के लिए। वैसा स्पीशीज जो सिर्फ किसी एक फिक्स रीजन में मिले उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। बंगाल टाइगर इज एंडेमिक स्पीशीज। नहीं मतलब उसका क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी कुछ अलग है ना? टाइगर टाइगर ही होता, मॉर्फोलॉजी अलग होता शिकार करने का।
शिकार करने का तरीका कुछ अलग है? नहीं भाई कुछ अलग नहीं, स्वभाव बदल सकता है बट चीज नहीं बदलती। किस बेसिस पे उसको मतलब बोले कि? अबे जगह के हिसाब से बोल तो रहे, जगह लोकेशन। तो गुजरात में अगर है तो गुजरात तो बोलते नहीं, गुजरात में एसेट वहां टाइगर नहीं मिलता, एसेटिक लायन बोलते तो है, गिर फॉरेस्ट में जो लायन मिलता है वो एसेटिक लायन है, सिर्फ गुजरात में मिलता। एसेटिक बोल दिया इसका मतलब क्या, जैसे बिहार में कुछ मिलता है तो यहाँ का बिल्कुल लोकल नेम तो होता ही है ना, लोकल नेम तो कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, माइक्रो इवोल्यूशन। अगर हम बंगाल टाइगर को और कहीं मतलब बंगाल टाइगर को लाके ले जाए गुजरात रख दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा वहां पे? इंडिया का पूरा का फ्लोरा एक ही है, अभी तो पढ़े कि इंडिया अपना एक अलग रीजन ओरिएंटल रीजन, ये टाइगर को ओरिएंटल रीजन में कहीं भी रखेंगे तो सरवाइव करेगा क्योंकि बाकी पूरे इंडिया का एक ही तरह का क्लाइमेट है, ओरिएंटल रीजन है ना तो रीजन एक ही है। चलिए नेक्स्ट इज माइक्रो इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन टेल क्या लिखते हैं ऊपर में, लेवल ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन टेल स्पीशीज लेवल, फोर्थ नहीं वो फोर्थ नहीं है, उसी के अंदर का एक सब टॉपिक है, नोट करके लिख सकते हो उसको, नोट करके लिख लो। बोर्ड में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, माइक्रो इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन सिर्फ स्पीशीज लेवल पे हुआ हो तो उसको बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन, जैसे डार्विन का फिंच, जो फिंचे जो एक बर्ड थी ये फिंच में चेंज आया और चेंज ज्यादा नहीं आया, सिर्फ इतना ही चेंज आया कि उसका स्पीशीज बदल जाए, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज मैक्रो इवोल्यूशन। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, रुक जा दो लाइन और लिख लो फिर छोड़ देंगे, दो लाइन और लिखो। इवोल्यूशन ब्लूटूथ जवाब दे देता है, अपर टू स्पीशीज लेवल, जैसे कि जीनस फैमिली ऑर्डर में चेंज आ जाना, जीनस फैमिली या ऑर्डर इन सब लेवल पे बात करें तो इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल, इनका सिर्फ स्पीशीज ही नहीं बदला इनका जीनस फैमिली ऑर्डर भी बदल गया। एंड थर्ड इज मेगा इवोल्यूशन, इसमें होता है इवोल्यूशन प्रायर टू फाइलम लेवल, अगर इवोल्यूशन इतना ज्यादा हो कि फाइलम भी बदल जाए तो उसको बोलते हैं मेगा इवोल्यूशन। इसका एग्जांपल इज आर्थ्रोपोडा मॉल्यूस्क, देखो आर्थ्रोपोडा में ही चेंज आया होगा तो मॉल्यूस्क बना, ऐसे अभी हम लोग पढ़े भी नाम नियोपेलाइना आर्थ्रोपोडा मॉल्यूस्क के बीच का लेंगे, तो ये सब जो भी होगा ये सब मेगा इवोल्यूशन का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिकल एविडेंस, हेडिंग डाल लो और आज के लिए इतना ही, एक वीडियो बना कर डाल देंगे अगर टाइम मिला तो इसका भी। इसके लिए तुम लोगों के लिए मतलब क्या, अगर टाइम मिला इस चैप्टर के लिए भी और फिजिक्स दोनों के लिए बना दें, कोई ये कोशिश करेंगे कम से कम बन जाए। बायोलॉजी में आज तुम टेलीग्राम पे आके हमको मैसेज कर देगा, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला वीडियो भेज देंगे, आ गया है मेरे पास। ऑर्डर के बाद क्या लिखे हैं फिटनेस की? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना, बस अब ओवर ही कर दे रहे हैं इसलिए हम भी बैठे हैं। हो गया बस, इवोल्यूशन ये लास्ट वाला क्या बताया था, कौन सा वाला मेगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन प्रायर टू फाइलम लेवल। हाँ।